रौबदार और कड़वा सच है। कर्नल का आधार धड़कन धड़कन जुड़ा हुआ है। शिक्षा का संचार गांव गांव और गली गली में कर्नल करे प्रचार। गांव गांव और गली गली में कर्नल करे प्रचार। रे भैया कर्नल का ये कमाल, रे बबुआ कर्नल का ये कमाल। कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सतनाम चौधरी के चमचे सुधा के खिलाफ भीचू नाई को भड़काते हैं, क्योंकि वो बड़े बूढ़ों के लिए स्कूल खोलना चाहती है। भीचू नाई को सुधा के खिलाफ प्रचार करने के लिए उसको सतनाम चौधरी की तरफ से लालच भी दिया जाता है। गांव की लड़की सुधा अपनी पढ़ाई का कुछ काम झंडा सिंह को अक्सर देती रहती है, जिसे झंडा हल करवा कर सुधा को देता रहता है। पूछने पर वो हमेशा बताता है कि कर्नल बाबा की जान पहचान के एक प्रोफेसर से शहर जाकर वो सवालों को हल करवाता है। उधर सतपाल प्रधान और उसके साथी व गांव के अन्य लोग रेलवे स्टेशन पर निश्चित दिन कर्नल के स्वागत के लिए बैंड बाजे के साथ स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, परंतु झंडा सिंह गाजे बाजे का विरोध करता है और स्टेशन से झंडा बाहर चला जाता है। उसके बाद शाम को कर्नल रूठे हुए अपने बेटे झंडा को मंदिर से लौटाकर घर लाता है। और इसके आगे क्या होता है, आइए देखते हैं कमाल कर्नल का के इस भाग में। राम जाने ये खांसी कब ठीक होगी, लगता है जैसे पूरी अकल बंद पड़ी हो। हो सकता है, वैसे ये खांसी नहीं, आपको किसी की याद आ रही है, मेरा मतलब है झंडा की। चुप रहा कर, तुझे हर वक्त मजाक पूछता रहता है, यहाँ मेरी जान निकली जा रही है। भाई अपनी इस जान को संभाल कर रखिए, वरना किसी दूसरे की जान आफत में पड़ जाएगी। अब तो चुप भी रहेगी कि नहीं, कहीं ऐसी बात झंडा के सामने मत कह देना। आज जो शहर से सवाल हल करवा कर लाता है ना मेरे लिए, वो भी लाना बंद कर देगा। तू तो जानती है कितना अक्खड़ है, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। अरे धीरे धीरे उसे भी अक्ल आ जाएगी। वैसे तू ये बता, अब तो तेरे 11वीं के पेपर भी हो गए, अब आगे का क्या विचार है? बस आगे और पढ़ूंगी और स्कूल खोलने की कोशिश करूंगी। कंचन पता नहीं क्यों बाबूजी इतना डरे हुए हैं, बार बार एक ही रट लगाते रहते हैं कि कहीं कोई मुश्किल खड़ी ना हो जाए। अरे तो हम कौन सा मुश्किलों से डरते हैं, जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो याद है ना कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। मुझे याद है मेरे बाबा की तो पिटाई कर दी थी इन लोगों ने, और हमें बाद में धमकियां देते रहे थे, कहते थे लड़की को इसलिए पढ़ा रहा है कि कल उससे नौकरी करवा कर उसकी कमाई खाएगा। सबने शोर मचा रखा था कि गांव की नाक कटा दी है। लेकिन ये भी तो देखो, आज गांव की कई लड़कियां पढ़ने लगी हैं। फिर भी कंचन ये काम तब तक अधूरा है जब तक कि नौजवानों के साथ साथ बुजुर्ग भी पढ़ना शुरू ना कर दे। क्या तूने किसी से बात की? हाँ कुछ महिलाओं से बात तो की, वो पढ़ना भी चाहती है मगर वही डर। मुझे लगता है अगर एक बार हम इस काम को शुरू कर दे तो सारे गांव के बड़े बुजुर्ग हमारे साथ देंगे। हाँ कंचन मुझे भी ऐसे भरोसा है, चल कल चलकर कर्नल अंकल से बात करते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन अभी चल घर चलते हैं, मुझे शाम को श्यामा आंटी के घर उनके भतीजे की चिट्ठी पढ़ने जाना है, कुवैत से आई है। कंचन हो सके तो उन्हें ये जरूर समझाना कि मैं आपकी अगली चिट्ठी तभी पढ़ूंगी जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है? हाँ सुधा ये तो मैंने भी सोचा था, पर चल अभी घर चलते हैं। चल। अरे ओ बिच्छू के, ओए सुन, ये ना ना फूल के हाथ मत लगाना, ना आम तोड़ ले, अमरूद तोड़ ले, कुछ भी तोड़ ले, पर फूल ना, ना फूल नहीं, अगर फूल के हाथ लगाया तेरी मैं टांग तोड़ दूंगा, कमीना कहीं का। अरे क्या हुआ झंडा? अरे मैं वो बिच्छू का छोरा है ना, हाँ। वो देख फूल तोड़ रहा है, मगर भाई आम तोड़ लो, अमरूद तोड़ लो, कुछ भी तोड़ लो, खा पी लो, खाने पीने की चीज खाओ, फूल मत छेड़ना। तोड़ने भी देना एक आध फूल, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे क्यों रे झंडा, किस पे चिल्ला रहा था इतनी जोर से, बाहर तक आवाज आ रही थी तेरी, वही रोज करो ना, बिच्छू का छोरा फिर घुस गया बगीचे के अंदर और डांट दिया ना। हाँ पापा मारूंगा अब तो। नहीं ऐसा मत करना भाई, डांट दे उसको, वही बहुत होता है।
थोड़ी सब्जी दिए माँ। हाँ पापा पहले थे। ममता आप तो खुश है ना, है? देख झंडा बैठा अपने साथ में, खाना खा रहा है तो, है? तो हाँ। पहले क्या मैं दुखी थी जी? अब भाई तुम दुखी थी या नहीं थी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लग ऐसा ही रहा था। अब आप आते से ही मुझ पर ताने मत कसी। और देखो तुम मुझसे लड़ने मत लगना। माँ हाँ बोल। एक बात बताऊं, इधर देख, देख आज के बाद मैं तेरी बात नहीं टालूंगा, और आज के बाद जो तू कहेगी जैसा कहेगी वो ही करूंगा मैं। अच्छा तो एक बात बता। बोल। तू अपने कमरे में किसी को घुसने क्यों नहीं देता? अब वो अब पूरे घर की सफाई हुई है, एक तेरा ही कमरा ऐसा है जिसकी सफाई नहीं हुई है। एक बात बता, तू अपने कमरे में किसी को घुसने क्यों नहीं देता? नहीं ऐसा तो नहीं है माँ। अच्छा पिछले 3 सालों से मैंने उस कमरे में झांका तक नहीं है। पता नहीं तुम दोनों की ये क्या जुगलबुट्टी है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। ना 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 ना, ना। उसमें हिसाब किताब के कागज पड़े रहते हैं ना। क्यों, क्या मैं वो कागज फाड़ दूंगी? नहीं माँ, वो कोई हिसाब किताब का पर्चा ना खो जाए इसलिए बस, और तो क्या बात है। अरे ठीक ही तो कह रहा है वो, मेरे बाद 15-16 साल से यही तो संभाल रहा है। अच्छा एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ हाँ पूछो पूछो। अब आप इसी से पूछिए जी, ये देर रात तक करता क्या रहता है और रात भर टेबल लैंप भी जलाए रखता है? इसने तो 5वीं के बाद पढ़ाई भी बंद कर दी थी, ये करता क्या रहता है? और इसने तो आप गजब ही कर दिया है, बिना बताए 9-10 महीने जाने कहाँ गायब रहा। गांव वाले तो कहते हैं कि ये हमसे बगावत कर गया है। अरे लोग तो सब बकवास करते हैं। अब ये मुझसे तो कुछ बताता नहीं है, आप ही पूछिए ये क्या करता रहता है। भाई ऐसा है कि तुम इसी से पूछ लो। इसी से पूछ लो। अब तू ही अपने बाबा के सामने बता दे तू करता क्या रहता है रात भर। ओ बस मैं तो हिसाब किताब के पेपर रखता हूँ। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहता, लड़कियों के फोटो देखते रहता। अरे माँ लड़कियां तो मेरे ख्वाबों की मुंडेर पर भी नहीं देख सकती। बस हो गई ना तसल्ली। अरे भगवान अब उसे खाना तो खा लेने दो हैं? और मुझे तुमसे एक शिकायत है कि अगर तुम बचपन में इसका स्कूल ना छोड़वा देती ना तो आज ये अफसर होता। अफसर? हाँ मैंने कब इसको स्कूल जाने से रोका था, ये रोज रोज भीड़ भरी सड़कों से अकेला स्कूल जाता था, मुझे तो डर लगता था कहीं कुछ हो ना जाए। अरे भाई कितनी परेशानियां हो कितनी दिक्कतें हो पढ़ने वाले पढ़ ही लेते हैं। हा? अगर ऐसा ही था तो आप लोगों ने स्कूल गांव में ही क्यों नहीं खुलवा दिए? अरे उस वक्त तो पढ़े लिखे लोगों को भैंस भी सींग मार के चली जाती थी। बाबा अरे तू क्यों हंस रहा है? मैं यूं हंस रहा हूँ कि याद है जब मैं 5वें दर्जे में पढ़ा करता तो रताज की भैंस ने एक बार तुझे इसलिए तो सींग मार दी थी। खैर शैतान मेरा ही बनाया हुआ खाता और मुझ पे ही हंसता है। काश ये पढ़ लिख गया होता तो आज फौज का बड़ा अफसर बन के खड़ा होता। ये ममता ये सब हमारी गलतियों का नतीजा है। हाँ अगर जब यहाँ पर स्कूल होता ना तो ऐसा नहीं होता। आज तो हमारे गांव में स्कूल भी है पर फिर भी ना जाने क्यों लोगों को पढ़ने लिखने में शर्म आती है। चिंता मत करो अब ये अभिशाप शीघ्र ही खत्म होगा। मास्टर हरिदास और परमानंद जी ने शिक्षा की जो ज्योति जलाई है उसको रोशन करने का अब समय आ गया है। मैं आज ही लोगों से मिलता हूँ। बेटा मास्टर हरिदास और परमानंद जी को खबर पहुंचा देना कि मैं उनसे मिलने आ रहा हूँ रात में। सुनिए ये काम की बातें कल नहीं हो सकती क्या? आज ही तो आप आए हैं, बहुत थके हुए होंगे। नहीं ममता हम फौजी हैं और हमको समझना चाहिए कि हमारा एक एक दिन बल्कि एक एक क्षण कितना कीमती होता है। भाई दुनिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है उसमें हम पहले ही बहुत पीछे रह चुके हैं, है कि नहीं? हाँ बाबा। बाबा एक बात बताऊं? हाँ। आदमी को अपने दिमाग से भी काम लेना चाहिए जैसे पहले क्या करते। सही बात है कि आदमी को जैसे है कि कुदरत के भरोसे फसल उगाकर और भगवान के नाम पर पेट भरना केवल यही हमारी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। आदमी के पास एक भगवान ने दिमाग भी दिया है।
उसका भी इस्तेमाल करना होगा। बस यही बात समझानी है आप सब लोगों को, ठीक है? तो फिर चलता हूं मैं, हैं? और शाम को जरा परमानंद जी के यहां जाना है, थोड़ा यार आराम कर लूंगा मैं तो। बाबा मैं तो आ नहीं सकूंगा, आपको तो मालूम है वो। अरे भाई तेरे से मैंने कहाँ कहा तू आना भाई, मुझे पता है तेरे को शाम को जरूरी काम के लिए जाना है ना, है? जी बाबा। अच्छा मैं चलता हूँ। क्यों भाई चतरे, क्या बात है, है? अब बड़ा गलियों में घूम रहा है तू आजकल, है? क्या परेशानी है तेरे को? मालिक हमको तो ये भी नहीं पता कि ये लोग हमें किस बात पर यहाँ पकड़ कर लाए। अरे बात तो हम सब कुछ जाने हैं चतर सिंह, बस उस बात का खुलासा होना बाकी है। लेकिन हमारी गलती क्या है हुजूर? हमें बता दे, हम उसमें सुधार कर लेंगे। भाई गलती तो बहुत पहले हो गई चतर सिंह, अब तो उस गलती से दूसरों को खतरा पैदा होने लग रहा है, क्या समझ रहा है? मतलब तेरी लड़की गांव के सीधे साधे लोगों को बरगला रही है, हैं? और कहती है कि चूल्हा चौका छोड़ के पढ़ाई करो, ये भी कोई बात हुई? और सुना है तेरी छोरी गांव में पाठशाला खुलवा रही है, हैं? वो भी गांव के बड़े बुजुर्गों के लिए, हैं? जिस चौधरी साहब उन्हीं के लिए ना खुल रही, औरों के लिए भी खुल रही है, ये माजरा क्या है? चौधरी साहब इसने गांव के बुजुर्गों और मर्दों के अलावा हमारी इज्जत की चादर फाड़ने का भी मंसूबा बना लिया है। और सच सच बताओ एहसान, चौधरी साहब इसकी लड़की अपने घरों की इज्जत यानी लड़कियों और औरतों के लिए स्कूल खोलने का इंतजाम कर रही है। ये तो हमारी जिंदगी पर ऐसा दाग है जो किसी भी साबुन से नहीं धुलेगा, समझा? अरे चौधरी साहब फिर तो गाँव के लड़कों के बहुत ठाठ बाट होंगे, काम धंधा छोड़ के स्कूल के चक्कर जो लगाते फिरेंगे। ना 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 ऐसा नहीं होगा चतरे, वो ऐसे में तो गांव के लड़के और आदमी इस लायक ही नहीं रहेंगे, वो तो काम करेंगे घर में झाड़ू पोछा, हैं? ऐसे में मर्द नाम की चिड़िया स्कूल तो क्या गांव और खेतों में दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। यही टूट गई सारी परंपरा चौधरी साहब, ऐसे में तो हमारा पूरा गांव उजाड़ हो जाएगा। अरे मर्द लोग तो करेंगे काम घर में और खेती बाड़ी का, और औरतें पढ़ाई लिखाई करेंगी। सुनो चतरे, अपनी बेटी को समझा दे कि गांव को बर्बाद करने की कोशिश ना करे, समझा कि नहीं समझा? तो कहीं इसमें किसी विदेशी ताकत का कोई हाथ तो नहीं है? मैंने तो यहाँ तक सुना है चौधरी साहब कि उसने रोका टोकी करने वाले मर्दों को सब्जी में नीला खुटा मिलाकर खिलाने की सलाह दी सारी औरतों को। हाँ हाँ, अरे ये तो गजब है गजब, कलयुग है चुनिता कलयुग। अरे बीचू तू तो बड़ा आग लगाऊ है, तेरी तेरी बात पर तो भगवान भी विश्वास नहीं करेगा। और ज्यादा मत बोल, जहाँ तक आग लगाने की बात है ना, वो तेरी बेटी पहले ही लगा चुकी है, हैं? पहले तो अकेले खुद स्कूल जाती थी, वो अब मताब की बेटी कंचन को भी अपने साथ उकसा रही है, हैं? गांव में पाठशाला खुलवाएगी, सब लोगों को कहती फिरती है कि मैं बड़े बुजुर्गों के लिए पाठशाला खुलवाऊंगी। इसमें बुराई की क्या बात है चौधरी साहब? अरे वो लड़कियां कौन सी तनख्वाह मांगती है आपकी पंचायत से बुजुर्गों को पढ़ाने के लिए? चुप करो चतरे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करी, है? अब तू अपनी बेटी की तनख्वाह भी हमसे ही दिलवाएगा, है? ओए तू मल्ला है, मल्ला ही रही हो, वरना तेरी नाव की जगह तेरी जिंदगी के तले में मैं छेद कर दूंगा। ये गांव जैसा है वैसा ही रहेगा। सुन, अपनी बेटी से कह दे कि ये जादूगरनियों के लच्छे फेंकने बंद करे, ये पढ़ाई लिखाई की बातें छोड़ के पर्दे में रहना सीखे, समझा? यही हमारे गांव की पुरानी परंपरा है। बिल्कुल ठीक ठीक फरमाया हुजूर आपने,
मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा हुजूर। ओ, उसे समझाना नहीं मनाना है तेरे को। कल को गांव में कोई ऊंच नीच हो गई तो उसका जिम्मेदार तू होगा, मैं नहीं होऊंगा। लेकिन ये तो जबरदस्ती है हुजूर। अगर औरतें पढ़ना ही चाहती हैं तो मर्दों को ऐतराज किस लिए है? देख चौधरी साहब, पढ़ाई के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब तू बोले है तो सुन ले, हमें ये ड्रामेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। इस गांव में औरतों ने कभी घूंघट उठाकर अपने बच्चों के गिरकर कटे हुए बाल भी नहीं देखे। हाँ, और अब ये तोता मीना की कहानियां पढ़ेंगी, वो भी बिना सावन के। अरे तेरी बात सुनकर तो मुझे भी शर्म आती है। शर्म? तेरी औरत तेरे साथ कैसे निभा करती होगी? बंद कर अपनी जबान, बहुत बोल लिया तूने, हैं? अब मेरी बात ध्यान से सुन। अगर गांव में कोई टंटा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, मैं उस कंचन के माँ बाप को भी बुला के समझा दूंगा, समझा? वो अपनी खाल में रहना सिखाओ, वरना खाल उतार के भूसा भर दूंगा। चल उठ अब। हाँ, मांगने आया, चल चल। और अब तो सुना है कि गांव में पेट्रोल का टैंक भी आ गया है। क्या, और गांव में पेट्रोल पंप खुल रहा है? नहीं चौधरी साहब, मेरा मतलब तो उस कर्नल से है जो कल से आग में पेट्रोल का काम करेगा। चलो भाई, बहुत रात हो गई है, अब रात को मैं भी सोचूंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, और तुम भी सोचना। कर्नल साहब, अगर मैं यहाँ होता तो सुबह ही आपसे मिलने स्टेशन चला आता। अरे तो इसमें फेल करने की क्या बात है परमानंद जी? अरे भाई, ऐसा है कि आप नहीं आए, मैं आ गया, इसमें फर्क क्या पड़ता है? ये तो आपका बड़प्पन है। देखिए, इतना ऊंचा ना उठाइए, और वो भी बिना क्रेन के। अच्छा ये बताइए, अब इरादा क्या है, यानी आप यहीं रुकेंगे या कहीं शिफ्ट करेंगे? शिफ्ट? अरे भाई परमानंद जी, हम तो हजरते दाग हैं, जहां जम गए कुल्फी हो गए। और फिर परमानंद जी, हम ठहरे फौजी आदमी, और फौजियों की असली खुराक होती है जंग लड़ने आए भाई। मैं कुछ समझा नहीं भाई। गांव में फैली और शिक्षा के खिलाफ हमारा जंग लड़ने का इरादा है, और मैं ही क्या, आज तो हर रिटायर्ड फौजी और घायल रिटायर्ड फौजी भी इस जंग में जुट गया है। ये तो सचमुच एक बहुत ही नेक काम है कर्नल साहब, हम तो समय रहते ये कर नहीं पाए। दरअसल जब मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया था तो मैं सोचता था लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो सका। शायद प्रेरणा की तुलना में लोगों को सीधे मदद की ज्यादा जरूरत थी। अब क्या कहूं, बच्चों की मेडिकल की पढ़ाई के लालच में मैं शहर चला गया और कुछ न कर सका। अब आप चाहें तो इसे मेरा स्वार्थ भी कह सकते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं परमानंद जी, जो स्वार्थी होते हैं ना वो लौट कर नहीं आते हैं। हाँ, और फिर आप तो पत्रकार आदमी हैं, और पत्रकार की हैसियत से आपने गांव की मुश्किलें बहुत उठाई हैं। फिर भी कुछ कमी तो रही गई। अच्छा छोड़िए सब, आपका बच्चा राजेश क्या कर रहा है? वो तो डॉक्टर हो गया है। अच्छा, वहीं शहर के एक अस्पताल में है। ओ वेरी गुड, वाह भाई वाह। नमस्कार, बैठिए। चाय लेंगे आप जी? नहीं नहीं, चाय तो मैं पीता ही नहीं। मुझे खबर लगी थी कि आप आए हैं। अच्छा अच्छा, स्टेशन नहीं जा पाया, मेरी कक्षाएं चलती हैं सुबह, तो इसलिए मिलने चला। ठीक, कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो भाई अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ, लेकिन थोड़ा खुश कम हूँ। क्यों भाई, और वो आपका स्कूल कैसा चल रहा है? स्कूल चल रहा है,
लेकिन पढ़ने वाले बीच बीच में भाग जाते हैं और जब दोबारा आते हैं तो पिछला भूल जाते हैं। अच्छा, बड़ी समस्या है। अब तो मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूटी ब्रेक करते हैं। जी हाँ। मर साहब, आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? परिवार और काम का दबाव। अच्छा अच्छा, और ये लड़कियों की हाजिरी? बहुत कम। एक तो माँ बाप का दबाव और ऊपर से ये भी सोचती होंगी कि कोई महिला अध्यापिका होती तो जाने की सोचते। तो क्यों ना सरकार को एक पत्र लिखकर हम किसी महिला अध्यापिका की नियुक्ति की व्यवस्था करवाएं? अब अगर काम करना ही है तो बात बात में सरकार को परेशान करना ठीक नहीं है। फिर उसमें समय भी तो लगता है और फिर उनका यहाँ आकर काम करना वो भी तो मुश्किल है। भाई इसमें मुश्किल क्या है? हमारे गांव में बहुत सी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं और वो क्या नाम है परमानंद जी उनका? सुधा। सुधा और कंचन जी। आप लोग उनको क्यों नहीं आगे लाते हैं? आगे लाते हैं हम, सुधा तो तैयार भी है लेकिन वो कंचन जो है उसे थोड़ी झिझक है। अच्छा अच्छा, अगर आप जैसे व्यक्ति की मदद मिले तो ये चमत्कार हो सकता है। चमत्कार? अरे चमत्कार हो नहीं सकता है, समझिए कि चमत्कार हो गया भाई, हो गया। हाँ। कल से मैं और मेरा बेटा झंडा दोनों इस काम पर लग जाते। अरे वाह, लेकिन माफ करिएगा कर्नल साहब, झंडा यानी कि आपका बेटा, उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। क्यों, उसने क्या उन लड़कियों के साथ में कोई बदतमीजी कर दी है? बताइए बताइए आप। अरे मैं उसकी खाल खिंचवा कर उसमें फूस भरवा दूंगा। अरे नहीं कर्नल साहब, ऐसी बात नहीं है। असल में मेरा मतलब ये था कि हमें झंडा सिंह को भी पढ़ाना होगा, वरना गांव के लोग ये प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, कल को वो पूछ सकते हैं। समझ गया समझ गया भाई। आप झंडा की चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं उसको घर पर पढ़ा दिया करूंगा। हाँ हाँ, ये ठीक है। तो क्यों ना कल हम गांव के लोगों की एक बैठक बुलवाएं। हाँ ये ठीक है, सबको समझाया जाए। तो फिर कल से जंग शुरू है और जो गलती हमसे 15 साल पहले हो गई थी वो अब दोबारा ना हो। हमारे गांव का हर आदमी पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा जरूर, हमारा भी तो यही सपना है। तो फिर ठीक है, ऐसा करते हैं कि सुबह 9 बजे हम लोग मिलते हैं। ठीक है, चलता हूँ मैं। हरिदास जी, जी आप नहीं चलेंगे? आप चलिए। अच्छा, मैं आता हूँ थोड़ी देर से। अच्छी बात, ठीक है। हाँ। मैं भी तब तक सब लोगों को खबर कर दूंगा। मैं झंडा को बोल दूंगा, वो सुधार कंचन को लेके 9 बजे वहीं आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए शुभ रात्रि। नमस्कार। शुभ रात्रि। नमस्कार। अरे ब्रजेश, इसमें जो क्वार्टर भी है ना वो नया डाल देना, 3 किलोमीटर पैदल घसीटी साइकिल। हाँ भाई, गाँव गया था कल तू? सुना तेरे गाँव में पानी खूब पड़ गया, जो गेहूं की फसल तो गई बर्बाद। ए, सुन दुर्मू आ रहा है, डाकिया मजे लेंगे आज, देखिए आया तेरे पीछे आ गया। ले भाई पंचर बना दे यार। अरे दुर्मू, बड़ी दोपहरी में कहाँ घूम रहा भाई? अरे भैया क्या बताया, तो साइकिल ने परेशान कर दिया। क्या हुआ? पंचर हो गई। अरे दिन भर की डाक भी नहीं बटी और दोपहर में पूरा पसीना पसीना हो गया। अरे बात बताए यार, क्या ये डाक के रोज आती है? आती है, जैसे हमें रोजाना भूख लगती है ना, वैसे डाक भी रोजाना आती है। रे कवर बीजू, मिसाल भी दी तो ऐसी दी जैसे कि मेरे की चिट्ठी हाथ पकड़ा दियो। अरे देख, अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हरदम मुझी को कोसता रहता है? अरे तू मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं तो खुद ही इतनी बिगड़ी चीज हूँ जो रात में कब्रिस्तान में घुस के कंचे खेलता हो। मेरी समझ में तो तेरी कोई बात नहीं आ रही, पता नहीं क्या कह रहा है तू। अरे मरे हुए गीदड़ की बची हुई खाल, तुझे इतना भी नहीं पता कि आज गांव में एक नए स्कूल की नींव रखी जाएगी और चौराहे पर बैठक होगी। बैठक नहीं समझा, मीटिंग है, मीटिंग। क्या कहा तुमने भैया, है गांव वाले पढ़ने के लिए मान गए हैं? अरे मानेंगे कैसे नहीं, कर्नल बाबा के सामने कोई कुछ बोल सकेगा क्या? पर भैया तेरे को घर में कोई काम धाम नहीं है क्या जो दोपहर में भटक रहा है इधर उधर? अरे कुछ नहीं यार, निकला तो काम से था, खाली तो नहीं था, पर ये साइकिल खराब हो गई। वो खबर दे रही थी सुधा को और कंचन को
अब मैं कुछ मदद करूं? शुक्रिया, अगर मैंने अपनी खबर तेरे जरिए भेजी तो फिर वो पहुंच गई। हाँ, फिर सरकार तेरी बदली करे या न करे, पर मैं तेरी बदली बिन सावन के बरसा दूंगा। फिर जुमलेबाजी। अरे तेरे लिए 2 मिनट तो क्या, 2 मिनट, अरे 2 सेकंड रुक गया ना तो मेरी बीवी बेवा और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। रौबदार और कड़वा सच है, कर्नल का आधार धड़कन धड़कन जुड़ा हुआ है, शिक्षा का संचार, शिक्षा का संचार, शिक्षा का संचार, गांव गांव और गली गली में कर्नल करे प्रचार, गांव गांव और गली गली में कर्नल करे प्रचार। रे भैया कर्नल का ये कमाल, रे बबुआ कर्नल का ये कमाल, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का, कमाल कर्नल का।